हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स इन टूडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज माय डियर फ्रेंड कभी आपने सोचा है कि अगर गवर्नमेंट ने अल्कोहल बैन कर दिया उसकी सेल को बैन कर दिया या कहीं पर उसकी सेल बैन है तो परमिशन दे दी कि यहाँ पर एल्कोहल बिकेगी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड एनफोर्स नहीं करती है या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड एनफोर्स कर देती है तो ऐसे में आपके क्या राइट हैं आपके कुछ राइट हैं अगर आप अल्कोहल का मैं अगर बात करूं अल्कोहल की सेल को बैन कर दिया तो ऐसे में आपके कुछ राइट्स हैं कि आप कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या फिर आप बिल्कुल फॉलो करेंगे जो भी गवर्नमेंट का डिसीज़न है ठीक है चलिए एक बार हम देखते हैं डियर फ्रेंड कि कुछ ऐसे हमारे पास राइट्स भी हैं या नहीं ठीक है ये जो हमारे पास देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ डिफ्रेंड अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पहले चार पार्ट्स की बात करें तो यूनियन एंड टेरिटरी ठीक है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया कि इंडिया की बाउंड्री कितनी है उसके सब पार्ट्स क्या क्या हैं देन उसके अंदर रहने वाले लोग सिटीजन कौन है लीगल कौन है इलीगली कौन है ठीक है ये सभी चीज़ें हमें मिलता है सिटीजन पार्ट टू के अंदर पार्ट थ्री जो लोग रह रहे हैं सिटीजन ऑफ इंडिया उनके कुछ राइट्स भी सिक्योर किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स द फंडामेंटल राइट्स ओके उसके बाद माय डियर फ्रेंड अब ये जो पूरी कंट्री है इसको चलाने के लिए अथॉरिटी भी है वो अथॉरिटी कौन है सोर्स क्या है पीपल ऑफ इंडिया पीपल ऑफ इंडिया क्या करते हैं इलेक्शन से फ्री एंड फेयर इलेक्शन से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं वो जाते हैं माय डियर फ्रेंड पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर और फिर वो लोगों के लिए ही लॉ बनाते हैं और फिर वो टैक्स भी लिवाई करते हैं टैक्स कलेक्ट भी करते हैं और फिर उस टैक्स को हमारे ही वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है नाउ दिस फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वी हैव टू थिंग्स फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट स्टेट क्या है द लॉ मेकिंग अथॉरिटीज ओके द प्रोविजन्स विच आर अंडर दी पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड दे आर फॉर द लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ एंड दे आर नॉन जस्टिशिएबल जब गवर्नमेंट उसको एनफोर्स नहीं करेगी या उसको फॉलो करने को कंपेल नहीं करेगी या उसको एनफोर्स नहीं करेगी तो आप कोर्ट में जा कर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाकर के रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं ओके okay. अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट कोर्ट जा सकते हैं और अपने राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट रिट्स इशू करेगी और उस रिट से आपके फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर हो जाएंगे बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर जो प्रोविजन्स है माई डियर फ्रेंड वो आप कंपेल नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप इसे फॉलो करो ही करो ठीक है दे आर नॉन जस्टिशियबल इट मीन्स अगर गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करेगी तो आप जाकर कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं कि ये सरकार इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही दिस नेचर इज़ कॉल्ड द नॉन जस्टिशियेबल ठीक है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ अंडर पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन एंड दिस आर्टिकल आर कलेक्टिवली कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड दे आर नॉन जस्टिशिएबल ओके दे आर नॉन जस्टिशियेबल ठीक है चलिए गुड माइडी फ्रेंड इंपॉर्टेंस क्या है फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि अगर वह नॉन जस्टिशियबल है तो उसको मैंशन क्यों किया गया माडी फ्रेंड सबसे पहले हम आ, ये जो पूरा वर्ड है पूरी जो लाइन है पूरा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको एक बार ब्रेक डाउन कर देते हैं ब्रेक डाउन करते हैं हम इसको और समझते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है मैंडेटरी नहीं है यह डायरेक्टिव इन नेचर है ठीक है जी दे आर डायरेक्टिव इन नेचर दे आर सर्टन प्रिंसिपल विच आर डायरेक्टिव इन नेचर फॉर द स्टेट स्टेट क्या करेगी जब अपना लॉ बनाएगी प्रिंसिपल्स बनाएगी तो उसको यूज़ करेगी जो भी लॉ बनाएगी जो भी पॉलिसीज बनाएगी उसके अंदर इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करेगी ही करेगी ठीक है तो ये कंपलसरी नहीं है अगर गवर्नमेंट उसको ना भी यूज़ करे तो आप कोर्ट जाकर बोल नहीं सकते कि गवर्नमेंट ने इसको यूज़ नहीं किया हाँ लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है गवर्नमेंट को कि आपको ऐसा ऐसी सोसाइटी बनानी है जैसा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर मेंशन किया हुआ है ठीक है अब ये प्रिंसिपल्स कौन से माइडी डिफरेंट एक बार इसको हम देखते हैं ठीक है सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे आर नॉन जस्टिशियेबल और ये नॉन जस्टिशियबल जो है इसको माइडी फ्रेंड मेंशन किया गया है आर्टिकल थर्टी सेवन के अंदर आर्टिकल थर्टी सेवन क्लियरली से डेट प्रोविजन इन

सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूट एंड इवन दी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये सभी के सभी स्टेट के अंदर आते हैं जो भी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज हैं ठीक है ठीक है जी चलिए माय डियर फ्रेंड्स बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल थर्टी सेवन दीज आर नॉन जस्टिसबल ठीक है चलिए आगे चलते हैं आर्टिकल थर्टी सिक्स से फिफ्टी वन कौन कौन से प्रोविज़न आते हैं हम देख लेते हैं एक बार लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो डिमार्केशन मैंने आपके जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सोशलिस्टिक पैटर्न गांधी पैटर्न लिबरल इंटेलेक्चुअल पैटर्न ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ठीक है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए एक हमने तीन प्रोविजंस बना दिए कि भैया सोशलिस्टिक पैटर्न होना चाहिए सोशलिस्टिक पैटर्न में क्या होता है माय डियर फ्रेंड आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और द मिनरल रिसोर्सेज एडोकुएट लाइवलीहुड डिजायरेबल वर्किंग कंडीशन इक्वालिटी जस्टिस फ्रीडम ठीक है ये एक आइडियल सोसाइटी बनाने की बात सोशलिस्टिक पैटर्न हो की होनी चाहिए यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल्स माय डियर फ्रेंड गांधी जी क्या फॉलो करते थे एक तो वो नॉन वायलेंस के ऊपर थे है ना वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के ऊपर थे ठीक है तो नॉन वायलेंस की अगर बात होती है तो यहाँ पर एक ब्रदरहुड की बात होती है ठीक है एक एक लव की बात होती है अफेक्शन की बात होती है वो गांधीन प्रिंसिपल पे दिख जाते हैं अगर डायरेक्टर प्रिंसि स्टेट पॉलिसी कहता है कि स्लॉटर ऑफ काओ या दूसरे एनिमल नहीं होना चाहिए अल्कोहल का सेल परमिट नहीं होना चाहिए ठीक है ये सब चीज़ें आपको गांधीन प्रिंसिपल के अंदर दिख जाएगी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की आप अपनी तरफ से भी हेल्प करेंगे अपनी तरफ से भी आप निकल कर सामने आएंगे और गवर्नमेंट के स्मूथ रन के अंदर मदद करेंगे ठीक है जी तो वर्कर्स के लिए सारे की सारी जितने भी इंजॉयमेंट है वो अपने काम को एंजॉय करना चाहिए ना वो सभी के सभी इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर आएंगे माय डिफरेंट ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात मिल जाती है हमें ठीक है मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज उसकी बात मिल जाती है वो सभी के सभी आपके इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आते हैं तो एक बार देखते हैं कि आर्टिकल थर्टी सिक्स है फिफ्टी वन के बीच में क्या लिखा हुआ है माई डिफरेंट आर्टिकल थर्टी सिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो है क्या डेफिनेशन ऑफ द स्टेट स्टेट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स एंड इवन दी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो कलेक्टिवली आपको स्टेट में दिखेगा ठीक है आर्टिकल थर्टी सेवन माई डिफ्रेंट थर्टी सेवन भी मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि जो प्रोविजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आएंगे वो नॉन एनफोर्सिबल या नॉन जस्टिशियबल होंगे ठीक है जी आर्टिकल थर्टी एट माइडिफरेंट आर्टिकल थर्टी एट कहता है कि गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी या लॉ बनाएगी तो उसको सिक्योर करना पड़ेगा सोशल ऑर्डर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ़ द वेलफेयर ऑफ द पीपल अब ये सोशल ऑर्डर क्या है भाई सोशल ऑर्डर है माय डियर फ्रेंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन ठीक है जी दे देर मस्ट बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड द रिसोर्स एंड फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए इनक्वालिटीज जो स्टेटस में है उसको दूर करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज पूरी की पूरी मिलनी चाहिए ठीक है और जितने भी रिसाइडिंग पीपल हैं यहाँ पर इंडिया में जितने भी रिसाइडिंग सिटीजन माय डियर फ्रेंड किसी न किसी काम को वो करते रहें अनएम्प्लॉयड कोई ना हो ठीक है बेरोजगारी ना हो सारे एम्प्लॉयड हो सब कोई कमाई करें खाना खाएं टैक्स भरें हेल्दी खाना खाएं ये सभी का सभी के सभी सोशल ऑर्डर के अंदर आएगा ठीक है सोशल ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज होएगा तो सोशल ऑर्डर अपने आप अप सिक्योर हो जाएगा समझ रहे हैं बात को समझ रहे हैं ना सभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज होगा तो सोशल ऑर्डर अपने आप अप सिक्योर हो जाएगा अरे भाई जब आपके पास पैसे आएंगे तो अपना स्टेटस अपने आप अप बना लेंगे ना जमीन खरीद कर उसके ऊपर घर बनाकर गाड़ी खरीद कर ए सी लगा कर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ए सी लगाना मैंडेटरी है लेकिन वो आजकल स्टेटस सिंबल माना जाता है चलिए तो आर्टिकल थर्टी एट माई डिफ्रेंड ठीक है सॉरी फॉर दिस आर्टिकल थर्टी नाइन माई डिफ्रेंड आर्टिकल थर्टी नाइन सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाई द स्टेट अब ये सर्टन प्रिंसिपल स्टेट को कौन से फॉलो करने पड़ेंगे जब भी वो लॉ बनाएंगे सेम आर्टिकल थर्टी एट वाला अगर हम सोशल ऑर्डर को थोड़ा एलेबोरेट कर दें डियर फ्रेंड सोशल ऑर्डर के अंदर क्या है कि जितने भी सिटीजन हैं चाहे फिर वो मैन है या वुमेन है दे हैव द राइट टू एडिकुएट मीन ऑफ लाइवलीहुड मीन ऑफ लाइवलीहुड रोटी कपड़ा मकान ठीक है उसका पूरा राइट बनता है और वो लोगों को मिले ऐसे प्रोविजन सरकार कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो उसके अंदर रोटी कपड़े मकान का तो जरूर जिक्र मिलना ही चाहिए ठीक है ऑनरशिप ऑफ द कंट्रोल ऑनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट रिसोर्स माई डिफ्रेंट ये चीज बोलता है कि जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं उस प्राइमरी सेक्टर से ही हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ अलाइड करके हम सर्विस सेक्टर चलाते हैं ना जहाँ पर आज मेजोरिटी में लोग एम्प्लॉयड हैं ठीक है या हम ये कहते हैं कि वो बेहतर कमाई करके दे रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से लोगों को ठीक है प्राइमरी सेक्टर थोड़ा डिप्रेस चल रहा है आजकल उसको मैं फिर किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा लेकिन माय डियर फ्रेंड यहाँ पर जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर जितने मिनरल रिसोर्स हैं नेचुरल रिसोर्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए ठीक है किसी वेल्दी लोग के या किसी वेल्दी पर्सन के हाथ में ना हो ठीक है ताकि वो अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होनी चाहिए और रिसोर्स भी साथ ही साथ ठीक है हमारी फ्रेंड सोशल ऑर्डर के अंदर एक चीज़ जैसे मैं आपको समझाऊं कि भैया इक्वल पे मिल रहा है सभी को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लेकिन यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को ना आपको इक्विटी के साथ देखना है इक्वलिटी के साथ नहीं देखना इक्वालिटी का मतलब है कि एक डॉक्टर है वो महीने के दो लाख रुपए कमा रहे हैं और दूसरा प्रोफेशन उसके साथ अगर हम मान के चलें कि कार मकैनिक है अगर इक्वालिटी की बात है तो भैया वो भी दो लाख रुपए कमाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट किया है डॉक्टर ने पब्लिक उसके उस उनके जो काम है उनका जो वर्किंग वर्किंग नेचर है नेचर ऑफ वर्क है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है काफ़ी टेक्निकल एंड स्पेशलाइज नॉलेज उसमें लगती है टेक्निकल का मतलब है कि टूल्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर ठीक है तो इक्वलिटी नहीं हो सकती है इक्विटी हो सकती है ठीक है तो इक्विटी भी मैं किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा अभी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही कर रहे हैं ठीक है तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी होना चाहिए हेल्दी रहे सभी लोग सभी वर्कर्स मैन एंड वुमेन जितने भी बच्चे हैं उनको नरिश्ड फूड मिले उनकी नरिशमेंट अच्छे से हो ठीक है ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी आर्टिकल थर्टी नाइन के अंदर माई डिफ्रेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो ग्रास रूट लेवल पर जो यूनिट्स हैं जो विलेजेस हैं उनके पास भी सर्टेन अथॉरिटी होनी चाहिए उनके पास भी फाइनेस होने चाहिए उनके पास भी लॉ मेकिंग पावर होनी चाहिए सो so डैट वो अपने इलाके में अपने प्रमाइस के अंदर अपने स्पेयर के अंदर ही अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लें ठीक है सेल्फ गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं ठीक है सेल्फ गवर्नमेंट बना सकें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो कुछ भी प्रोविजन सरकार बनाएगी तो उसके अंदर पावर और अथॉरिटी सब देगी गवर्नमेंट ठीक है जी उसके बाद राइट टू वर्क टू इक्वल एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस डियर फ्रेंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस का क्या मतलब है डियर फ्रेंड को डिप्रेस्ड या कोई पॉवर्टी के अंदर है और उसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे हैं तो सरकार की ड्यूटी बनाती बन जाती है यहाँ पर कि उनको फ्री लीगल एड दी जाए ठीक है अगर कोई अनएम्प्लॉयड है या ग्रुप ऑफ पीपल जो ग्रुप ऑफ पर्सन वो अनएम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पर सरकार की ड्यूटी बन जाती है कि भैया नौकरी दे अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो असिस्टेंस दे खाने को दें ठीक है कुछ ऐसे सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करें सो so डैट उनको एम्प्लॉयमेंट मिले इन फ्यूचर ओल्ड एज है कुछ सिकनेस है और डिसेबलमेंट है तो उसके अंदर भी सरकार एक्टिव मोड में रहेगी ठीक है ये ड्यूटी बन जाती है गवर्नमेंट की कि कुछ ऐसे फंड ऐसे फाइनेंसिस को सिक्योर करके रखना है कि जहाँ पर भी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा आए तो सरकार की पूरी ड्यूटी बनती है ये आर्टिकल फोर्टी वन के अंदर लिखा हुआ है ठीक है पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस आर्टिकल फोर्टी टू माई डिफ्रेंड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ छुट्टी हो जानी चाहिए मेटर्निटी या फिर जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसकी डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है तो उसको मेटर्निटी रिलीफ मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ एडिकुएट uh, मीन्स मिलने चाहिए सो so डैट वो डिलीवरी हेल्दी भी हो सो so डेट हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकें ठीक है जी डन और वो अफोर्डेबल होनी चाहिए वो महंगा ना हो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आर्टिकल माइडि फोर्टी थ्री लिविंग वेज फॉर दी वर्कर्स वर्कर्स की जो भी वो काम कर रहे हैं एटलीस्ट इतना कमा पाएं कि वो दिन भर पेट भर के खा लें और हेल्दी खा लें ठीक है और वो जो लाइवलीहुड है वो पैरामीटर्स के अंदर वो जी सके ठीक है जी आर्टिकल फोर्टी थ्री ठीक है जी चाहे फिर वो एग्रीकल्चर हो इंडस्ट्रीज हो या कोई भी दूसरा काम हो तो पैसे इतने जरूर मिल जाने चाहिए कि वो अपने लाइवलीहुड को कमा लें और अपने काम को एन्जॉय कर सके माई डिफ्रेंड और जो सोशल ऑर्डर है उसके अंदर वो सिक्योरिटी के साथ रह सकें फोर्टी थ्री ए माई डिफ्रेंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी कैपिटलिस्टिक पैटर्न को फॉलो करने, करने की बात नहीं किया सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो करने की बात की आर्टिकल फोर्टी थ्री के अंदर फोर्टी थ्री बी माई डिफ्रेंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बननी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये माई डिफ्रेंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग हम कह सकते हैं ऑटोनोमस फंक्शनिंग फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंस की बात करें या अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस की बात करें किसी विलेज में अब विलेज के अंदर थोड़ी पॉपुलेशन भी कम है ठीक है पॉपुलेशन भी कम है और एग्रीकल्चर सोल उनका ऑक्यूपेशन होता है अब तीन चार विलेजेस मिलकर वहाँ पर सड़क बनाकर ड्रिंकिंग वाटर ला सकते हैं वहाँ पर पाइप्स वगैरह की भी प्रोविजंस आ सकते हैं और फाइनेसिस अपनी सेविंग्स के प्रोविजंस भी उनको मिल सकते हैं कि तीन चार गांव से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक बैंक खोला उस बैंक के अंदर वहाँ के आसपास के लोग आ सकते हैं ईजिली आ सकते हैं रीचेबल है ठीक है वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं जो भी कुछ सेविंग करनी है उस बैंक में पैसे डिपोजिट कर सकते हैं ये बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीगल तरीके से माना गया है और इसका मेंशन बार बार दिखता है और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं आप सभी जानते हैं माई डिफरेंट ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर मिल्क भी है ये आपका अमूल ए और अमूल ने कितने लोगों को लाइवलीहुड दी है कितने लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी जीना सिखाया है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही हो सकता है अगर हम विलेजेस की बात करें जो यूनिट की बात करें अगर हम विलेजेस की अपना डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट की अगर हम बात करें ठीक है जी चलिए फोर्टी फोर माई डिफरेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सो so डैट जितने भी कॉम्यटीज़ हैं वो एक सिंगल पैरामीटर के अंदर आए हालांकि ये नॉन जस्टिशबल है तो ये मैंडेट्री नहीं हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर लेकिन होना चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स की तो माय डियर फ्रेंड सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना ही चाहिए आर्टिकल फोर्टी फाइव माई फ्रेंड आर्टिकल फोर्टी फाइव छः साल से कम बच्चों को एक चाइल्ड हुड केयर मिले चाइल्ड हुड केयर मिले किनको को छः साल से कम बच्चों को प्रॉपर दूध मिले पीने का खाने को मिले ठीक है ये सब चीज़ों का क, क, का ध्यान कौन रखेगा लुक आफ्टर कौन करेगा गवर्नमेंट करेगी माय डिफरेंट आर्टिकल फोर्टी सिक्स माई डिफरेंट प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलरली ऑफ एस सीज एंड एस टीज ठीक है जी फोर्टी सिक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि एस सी एस टीज के एजुकेशन इंटरेस्ट को इकोनॉमिक इंटरेस्ट को उनके सोशल इंटरेस्ट को स्पेशल केयर की जरूरत है ठीक है स्पेशल केयर की जरूरत है इसलिए शेड्यूल फाइव एंड सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स फॉर द एस सीज एंड डी एस ये सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको ये एनफोर्स करना ही पड़ेगा वेन एवर यू आर मेकिंग एनी लॉ ठीक है जी स्पेशली ऑफ द एस सीज एंड द एस ठीक है यू मस्ट प्रोटेक्ट From social injustice you must protect them from social injustice and any exploitation. ठीक है आर्टिकल फोर्टी सिक्स डन ठीक है जी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ढेर सारी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा आर्टिकल फोर्टी सेवन माई डियर फ्रेंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन आप सभी जानते हैं इन मोर्टेलिटी रेट से कितने ज़्यादा सारे बच्चे पैदा होते ही उनका जन्म होते ही उनकी डेथ हो जाती है और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हेल्दी बेबी भी नहीं हो पाते किसी को ऑस्टोमलेशिया है ठीक है ऐसी कुछ बीमारी ये सब हो जाती है जन्म के साथ ही या फिर मदर की डेथ हो जाती है डिलीवरी के टाइम पर ठीक है अगर माय डियर फ्रेंड मदर और बेबी सबको हेल्दी रखना है दोनों को हेल्दी रखना है तो न्यूट्रिशन लेवल को रेस करना पड़ेगा आपके पास जो भी आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चलते खाना जो भी मंडियों से निकल कर दुकानों पर जा रहे हो फिर लोगों के पास आ रहा है या फिर डिपो से डायरेक्टली लोगों के पास जा रहा है वो हेल्दी होना चाहिए उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है जो डेली कैलोरीज कंज़म्पशन की रिक्वायरमेंट होती है वो मेंटेन हो जानी चाहिए ऐसा खाना मिलना चाहिए लोगों को इसका ध्यान कौन रखेगा ये इस, इस, इस इन स्टैंडर्ड्स का ध्यान कौन रखेगा आंगनबाड़ी के अंदर जो खाना मिलता है वो हेल्दी है कि नहीं है उस, उस स्टैंडर्ड्स का ध्यान कौन रखेगा पास के दुकान से अगर आप दूध खरीदने जा रहे हैं उसका कुछ स्टैंडर्ड है कि नहीं उसका ध्यान कौन रखेगा ये माई डिफ्रेंट गवर्नमेंट रखेगी ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमारे पास है इसलिए राइट आर्टिकल फोर्टी एट माई डिफ्रेंट ये बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया गया था इसके अंदर वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के सारे प्रोविजन है इसके ऊपर ढेर सारे एक्ट भी बने हुए हैं और जो इंटरनेशनली जितने भी डाइज या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जितने भी सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसके अंदर इंडिया पार्टिसिपेट करेगा और उन के अंदर जो डिसीजन लिए गए हैं उसको अप्लाई करेगा ये सब कुछ आर्टिकल फोर्टी एट के अंदर पूरा मेंशन मिल जाता है माई फ्रेंड्स आर्टिकल फोर्टी नाइन प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट ठीक है जी आर्टिकल फिफ्टीन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव जो भी पब्लिक डीलिंग के अंदर है आई ए एस आई पी एस आई एफ एस और दूसरे डेजिग्नेशन माई डिफरेंट वहाँ पर जुडिशरी अलग होगी एग्जीक्यूटिव अलग होगा ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव ही लॉ बना रहे हैं और वो ही न्याय कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल एक अनबाइस तरीके से काम होना चाहिए ठीक है अनबाइस्ड होना चाहिए बाइस्ड नहीं होना चाहिए तो उसके लिए जुडिशरी एक सेपरेट पिलर है जो कि रिव्यू कर सकती है जिसका मेंशन आर्टिकल थर्टीन में दिखता है ठीक है वो रिव्यू करके बता सकती है कि जो लॉ बने हैं वो फेवर और अगेंस्ट प्रोज एंड कॉन्स उसके देख वो फर्दर डिसीज़न दे सकते हैं ठीक है तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव होना ही चाहिए प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डियर फ्रेंड अब हम ग्लोबल विलेज की तरह रहते हैं अब आप देख रहे हैं कि हम लोग भी जितने भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जितने भी हम फोन यूज़ कर रहे हैं वो या तो डोमेस्टिकली बने हैं या फिर इंटरनेशनली बने अधिकतर इंटरनेशनल ब्रांड्स की खपत है भारत में है ना इसलिए जीडीपी यूज़ किया जाता है जीएनपी यूज़ नहीं किया जाता तो जीडीपी अगर हम बात करें जीडीपी डी का यूज़ कर रहे हैं तो ब्रांड्स ढेर सारे आ रहे हैं इंडिया के अंदर वो अपने पैसे लेकर आ रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है और उनका माल बिक भी जाएगा क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ठीक है और वो टैरिफ्स भी सरकार को देती है सरकार के पास फॉरन रिजर्व भी बढ़ते हैं और उसके साथ साथ टैक्स जो उसका रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो जाता है ठीक है इसलिए तो हम बेहतर सड़कें पीने का पानी एजुकेशन हेल्थ ये प्रोवाइड कर पाएगी सरकार जब तक उसके पास पैसा होगा है ना तो यहाँ पर इंटरनेशनल पीस एंड जो सिक्योरिटी वाला मेथड है जो पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेकिन वो भी किसी एक लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री के हाथ में नहीं होना चाहिए ठीक है माय डियर फ्रेंड उसके अंदर भी आर्बिट्रेशन होनी चाहिए इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो भी है वो सेटलमेंट होंगे तो आर्बिट्रेशन के थ्रू होंगे इंटरनेशनल लॉ और जो ट्रीटीज़ हैं उसको इन्फोर्स करना और एक उसकी रिस्पेक्ट करना ये भी एक ऑब्लिगेशन बन जाता है ठीक है जी और जस्ट एंड ह्यूमेन रिलेशन होने चाहिए नेशन के बीच में डिफरेंट नेशंस के बीच में इंटरनेशनल ट्रीटीज जो भी हैं और उसको जो भी पीस के ऊपर जो भी ट्रीटीज बनी उसको प्रमोट करना चाहिए ठीक है ये आर्टिकल फिफ्टी वन में लिखा हुआ है माय डिफ्रेंट ये आर्टिकल थर्टी सिक्स से फिफ्टी वन डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉन जस्टिसबल ठीक है अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज स्टेट जो भी पॉलिसीज बनाएगा वो डायरेक्टिव नेचर के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसको मेंशन पार्ट फोर के अंदर मिलता है प्रियम्बल के अंदर कहीं पर डीपीएसपी का मेंशन मिल जाएगा हाँ दोस्तों बिल्कुल मिल जाएगा क्यों प्रियम्बल क्या है प्रियम्बल के अंदर हमें फ़िलासफी मिलती है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के अंदर ये बोला है कि सोर्स क्या है हमारी कंट्री का सोर्स ऑफ पावर या सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वी द पीपल ऑफ इंडिया पहली लाइन में लिखा है ना प्रियम्बल के तो पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्ट इलेक्शन से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे वो पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाएंगे लॉ बनाएंगे उस लॉ को हम लोग फॉलो करेंगे ठीक है तो जैसी हमारी गवर्नेंस मैकेनिज्म होगा वैसे ही हमारे कंट्री रन करेगी ठीक है तो प्रियम्बल के अंदर बोला गया है कि जस्टिस होना चाहिए कैसा जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस फ्रीडम होनी चाहिए इक्वालिटी होनी चाहिए ये सब किसको ऑथोराइज़ कर रहा है प्रियम्बल वो कर रहे हैं स्टेट को आर्टिकल थर्टी सिक्स ठीक है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इस सब को ऑथोराइज कर रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे प्रियम्बल ये मैकेनिज़म बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जितने भी लोग हैं वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और वो जाकर पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाएंगे और उस लॉ को उस लॉ का नेचर कैसा होना चाहिए वो होना चाहिए आर्टिकल थर्टी एट सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए और डिफरेंट प्रिंसिपल्स या प्रोविजंस जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखे तो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी ओके राइट माई डी फ्रेंड्स डी और अमेंडमेंट्स कौन से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिससे डी पी एस पी के अंदर नए प्रोविजन या सब क्लॉज को ऐड किया गया है डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंगे आर्टिकल फोर्टी टू आर्टिकल फोर्टी टू केशव भारती केस लेकिन केशव भारती केस से भी पहले बहुत से केसेस थे वो मैं भी जस्ट आपको बताऊंगा थोड़े टाइम के बाद लेकिन मैं ये पहले बता कि कौन कौन से प्रोविजन्स को पहले ऐड किया गया है कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स बाय द केशव भारती केस आई होप यू गाइज रिमेंबर और उसके बाद माय डियर फ्रेंड जो अमेंड करके प्रोविजन डाला गया वो डाला गया आर्टिकल थर्टी नाइन आर्टिकल थर्टी नाइन सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है आर्टिकल थर्टी नाइन के अंदर एक क्लोज डाला गया क्या आर्टिकल थर्टी नाइन ए इक्वल जस्टिस एंड फ्री एंड लीगल एड माय डियर फ्रेंड ठीक है मैंने आपको बताया था कि कोई पॉवर्टी के अंदर कोई रह रहा है उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है पैसे नहीं है कि भाई अब अपना एडवोकेट ले आ, आ, अरेंज कर सके अपने लिए तो वो कौन करेगा वो स्टेट करेगी फ्री लीगल एड देगी वहाँ पर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए सबको जस्टिस प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए ठीक है तो ये आर्टिकल थर्टी नाइन ए के अंदर मेंशन है जिसको बाद में अमेंड करके डी पी एस पीज को अमेंड करके बाद में इस क्लोज को इंसर्ट किया गया था कौन सा एक्ट बनाया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट नाइनटीन एटी सेवन दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट आर्टिकल थर्टी नाइन ए से एक एक्ट बनाया गया था नाइनटीन एटी सेवन के अंदर जिसका नाम है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट नाइनटीन एटी सेवन जिसके अंदर फ्री लीगल एड देने का प्लेज है ओके आर्टिकल फोर्टी एट ए भी फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एड किया गया था जिसके अंदर हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने के प्रोविजन हैं जैसे कि वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन इन्वायरमेंट पोल्यूशन के ऊपर जो कुछ एक्ट बने हुए हैं डियर फ्रेंड फॉरेस्ट एक्ट जो बने हुए हैं फॉरेस्ट कवर होना चाहिए ना मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा हाँ ये फोर्टिकल फोर्टी एट ए के अंदर इंसर्ट किया गया बाय द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नोट कर लेंगे इन सभी चीज़ों को क्योंकि सुनकर याद नहीं होती है माइडी फ्रेंड्स एक मेरी हमल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इन सब चीज़ों को लिख लेंगे कहीं पर एक बुलेटिन बना लेंगे सो डैट आप उसको बार बार पढ़ सकें और रिवाइज करके याद कर सकें फोर्टी फोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माई डिफ्रेंट जो कि नाइनटीन सेवेंटी एट में आया था थर्टी एट के अंदर सेकेंड क्लोज को ऐड किया गया सोशल सिक्योरिटी होगी लेकिन वो सोशल सिक्योरिटीज़ के अंदर इनक्वलिटीज़ जितनी फैली हुई है उसको भी तो कम करेंगे तभी तो सोशल सिक्योरिटीज़ मिल पाएगी है ना इनक्वलिटीज़ को जो डिफरेंस है सोसाइटी uh, के बीच में रिच एंड पुअर का है ना उस गैप को फिल करेंगे तभी तो इनसिक्योरिटी जो है वो दूर होगी ठीक है इन इक्वालिटी दूर होगी ठीक है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए तो ये आर्टिकल थर्टी एट के सेकंड क्लोज के अंदर ऐड किया गया बाय द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई एम सॉरी सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माई डिफ्रेंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट से सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली नाइनटी नाइनटी टू के अंदर पार्ट नाइन को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट जो आर्टिकल फोर्टी था उसको उसके प्रोविजन्स को एनफोर्स किया गवर्नमेंट ने ठीक है पंचायती राज इंस्टीट्यूट की थ्री टीयर <coughs> सॉरी थ्री टीयर को थ्री टीयर मैकेनिज्म पे उसको बनाया गया ग्राम पंचायत नगर पंचायत इन सब चीज़ों को ऐड करके उसको एक यूनिफॉर्मिटी दी गई पूरे इंडिया के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को ठीक है जी चलिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हालांकि इससे फंडामेंटल राइट right के अंदर चेंजेस किए गए थे लेकिन क्या ऐड किया गया था इससे राइट टू तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ठीक है छः से चौदह साल तक के बच्चों का सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज हालांकि ये जो अमेंडमेंट था ये आर्टिकल फोर्टी वन को ही रिफ्लेक्ट करता है जिसके अंदर राइट टू तो वर्क राइट टू तो एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस की बात की गई है जिसके अंदर अगर एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट फैली हुई है सोसाइटी के अंदर तो सरकार का दायित्व बन जाता है कि वो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए मेजर्स को उनके लिए मीन्स को अरेंज करें सो so डैट वो अपना लाइवलीहुड कर सके ठीक है लाइवलीहुड अपना अर्न सके, कर सकें अरेंज कर सकें तो ये आर्टिकल फोर्टी वन के अंदर ही आर्टिकल फोर्टी वन ही डायरेक्शंस देता है ट्वेंटी वन ए को कि उसको एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था ओके काफ़ी कंफ्यूजिंग आपको लगेगा स्टार्टिंग में ये लेकिन बार बार सुनेंगे देखेंगे समझेंगे लिखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन इस टाइप के प्रोविजंस को आप एस के अंदर और अपने जनरल स्टडीज़ पेपर के अंदर ऐड करेंगे तो माई डियर फ्रेंड्स मजा आ जाने वाला है ठीक है बहुत जो रीडर होगा उसको बिल्कुल इंटरेस्ट लगेगा पढ़ेगा समझेगा और वो ये भी जान लेगा कि भैया आपने जो चीज़ पढ़ी है आप कच्चे खिलाड़ी नहीं है ठीक है यस चलिए एट्टी नाइनटी सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डियर फ्रेंड आर्टिकल फोर्टी थ्री बी क्या करता है भैया ये ये करता है डियर फ्रेंड कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल्फ गवर्नमेंट ठीक है नाइन्टी सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फोर्टी थ्री बी को एड किया गया था फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ठीक है चलिए इम्पोर्टेंस क्या है डियर फ्रेंड इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये नॉन जस्टिसबल है फिर भी क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माई फ्रेंड ये गवर्नेंस के लिए जरूरी है बिना गवर्नेंस के कंट्री कैसे चलेगी है ना तो जो भी पाँच साल के बाद सरकार आएगी हर किसी के अपने प्रिंसिपल्स होंगे अपनी आइडियोलॉजी होगी वो अपने तरीके से गवर्नमेंट को चलाएंगे लेकिन नहीं यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं भाई आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है गवर्नमेंट को रन करने के लिए अपनी कंट्री को रन करने के लिए जब भी आप अपनी सरकार से कंट्री को रन कर रहे हैं तो गवर्नेंस के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ज़रूरी है ठीक है ये नहीं कि भैया कोई एक्स वाई जेड पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं कोई सोशलिज्म को फॉलो कर रहा है कोई कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा है कोई भैया डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रहा है ठीक है तो ऐसा नहीं है आइडियोलॉजीज के अंदर भी आपकी आइडियोलॉजीज अलग हो सकती है लेकिन गवर्नेंस रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए गवर्नमेंट गवर्नेंस रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए जो कि आर्टिकल थर्टी सिक्स से फिफ्टी वन के बीच में लिखा हुआ है सोशल जस्टिस ठीक है जी और लोगों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अपनी सरकार से अपेक्षा करें अपनी सरकार से एक्सपेक्ट करें कि ये हमें क्या देंगे किस तरीके से डेमोक्रेसी हमारी चलती आ रही है और ये कमिंग गवर्नमेंट भी बेहतर करके उस प्रोविजंस को देंगी ठीक है इनक्वालिटीज़ को बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर देगी जो भी इनक्वालिटीज़ फैली हुई हैं हमारी कंट्री के अंदर मैन एंड वुमेन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड द रिसोर्स इन्वामेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे माल रिश् जो है उन बच्चों के लिए अच्छी केयर मिलेगी मेटर्निटी रिलीफ मिलेगा ये सभी चीज़ें डिफ्रेंड लोगों को भी मालूम होना चाहिए वो एक्सपेक्ट जब तक नहीं करेंगे तो सरकार तो अपना काम करती रहेगी प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी जब आप सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएंगे या फिर डायरेक्टली पी आई एल डालेंगे तभी तो आवाज़ उठेगी ना तभी एक चेंज आ सकता है ठीक तो है तो इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल काफ़ी ज़रूरी है माय फ्रेंड माय फ्रेंड आपने शायद सोचा होगा कभी कि एक तरफ सरकार है एक तरफ लोग है, है ना एक तरफ पार्ट थ्री है एक तरफ पार्ट फोर है एक के अंदर अधिकार दिए गए हैं इट मीन्स सरकार के काम को कम कर रहे हैं अधिकार है अब सरकार कहेगी कि भैया रात को दस बजे के बाद कोई नहीं निकलेगा कोई नहीं जाएगा घर से दस बजे के बाद क्योंकि हमें दिक्कत होती है पेट्रोलिंग के अंदर क्राइम फैल रहा है लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई क्राइम फैल रहा है तो भैया क्राइम रिलेटेड जितने भी लॉ हैं या लॉ एंड ऑर्डर हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा ठीक है गवर्नमेंट यह नहीं कह सकती कि दस बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो एक तरफ आपके राइट है हाँ भैया मैं तो दस बजे के बाद निकलूँगा घर से बाहर क्यों नहीं जाऊँगा कौन रोकेगा मुझे जा सकता हूं मैं अगर मैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं मैं घर से बाहर निकल सकता हूं ओके okay. हाँ लेकिन ये भी इसके ऊपर भी गवर्नमेंट एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है जैसा कि लॉकडाउन के टाइम पर आपने देखा रीजनेबल था ना यार बाहर नहीं निकलना है चेन को तोड़ना है कोरोना को फैलने से रोकना है ये सभी चीजें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक डिस्प्यूट चलता रहता है कि गवर्नमेंट जो लो बना रही है वो ऊपर है या लोगों के अधिकार ऊपर है ठीक है तो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसके ऊपर डियर फ्रेंड ढेर सारे जजमेंट्स आए उन जजमेंट की एक बार हम बात करते हैं हालांकि केशवानंद भारती के से पता लग गया था कि दोनों का कलमिनेशन होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि आप सुपीरियर हैं मैं सुपीरियर हूँ आप सबॉर्डिनेट हैं मैं सबॉर्डिनेट हूँ ऐसे नहीं होता है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है गवर्नमेंट लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ना है उन्होंने फेडरलिज्म नहीं छेड़ना ठीक है तो ढेर सारे जजमेंट आए उसकी क्रोनोलॉजी हम देखते हैं सबसे पहले क्यों क्या थी माई डिफरेंट चंपकम दोराय राजन केस 1951 में आया था माई डिफरेंट इसके अंदर बोला गया था कि भैया जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो सब्सिडरी की तरह काम करेंगे फंडामेंटल राइट्स की मतलब कि लोगों के अधिकार हैं और लोगों के प्रोविजंस जो राइट्स हैं उसको आपने पहुंचाना है बस लोग जो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा यह आपके दोराए राजन केस 1951 में हुआ था लेकिन उसने ये साथ साथ यह भी बोल दिया था दोरा राजन केस ने कि फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं एप्सिल्यूट नहीं है यह भी दोराए राजन केस में 1951 में एप्सिल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स ठीक है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं दोराए राजन केस तो दराये राजन केस का रिजल्ट क्या आया था डिफरेंट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नाइन्टीन फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट नाइन्टीन ठीक है जिससे कि जो जो स्फेयर है गवर्नेंस का जो स्फेयर है इट मीनस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के काम करने का जो स्फेयर है वो इंक्रीज हुआ था इंक्रीज हुआ था फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं ठीक है अमेंड कर सकते लेकिन अभी तक प्लीज नोट अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ प्रोविज़न नहीं है यहाँ पर अनलिमिटेड पावर मिल जाती है पार्लियामेंट को कि हम किसी भी हद तक जा करके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं दो राजन केस डियर फ्रेंड गोलकनाथ केस क्वाइट इंपॉर्टेंट 1961 में हालांकि इन सभी अमेंडमेंट्स इन सभी जजमेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा आशा करता हूँ कि आप चेक कर लेंगे ठीक है और सभी वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा तो गोलकनाथ केस 1967 सिक्सटी सेवन उसने द्वारा रजन केस को एकदम रिवर्स कर दिया क्या रिवर्स कर दिया कि भैया फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं. उसने काम करने के स्वेयर को बिल्कुल लिमिटेड कर दिया पार्लियामेंट के काम करने के स्वेयर को लिमिटेड कर दिया कि नहीं फंडामेंटल राइट्स तो एब्सोल्यूट हैं फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं आप ठीक है जी तो क्या रिजल्ट आया माइडिफ्रेंस ट्वेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट ट्वेंटी फाइव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइनटी सेवेंटी वन के अंदर ही और जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट है माय माइडिफ्रेंड ठीक है अमेंडमेंट के थ्रू आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं टेकन अवे नहीं हो सकता है आपके फंडामेंटल राइट्स का ठीक है जी हालांकि मैं इनको सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगा डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा आई एम रिपीटिडली सेइंग दिस केशवानंद भारती केस 1973 आप सभी जानते हैं केशवानंद भारती केस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो एक आ, रिफ्ट चल रहा था रिफ्ट चल रहा था फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि भैया सरकार ऊपर है कि लोग ऊपर है ना? है ना उनके अधिकार ऊपर है केशवानंद भारती केस ने बोला कि नहीं भैया आप अमेंड कर सकते हैं गोलकनाथ केस को फिर रिवर्स कर दिया दौरा केस को एनफोर्स कर दिया ठीक है इन्होंने बोला कि केशवानंद भारती केस से आप अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं इनफैक्ट लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हालांकि उसकी डेफिनेशन नहीं दी थी लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है माय डियर फ्रेंड फेडरलिज्म ठीक है सेपरेशन ऑफ पावर द पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी वो सभी इंटैक्ट रहना चाहिए रिप्रेजेंटेशन लोगों के अधिकार वो इंटैक्ट रहना चाहिए आप हालांकि सिचुएशन के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर लेकिन जो चीज़ है वैसे ही रहनी चाहिए ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं और आप सेंट्रलाइज गवर्नमेंट वहाँ पर के प्रोविजन लेकर आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उसको इन्फोर्स कर देंगे वो नहीं चलेगा ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए मिनरवा मिल केस नाइनटीन एटी माई डिफ्रेंड मिनरवा मिल केस में माई डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स एंजॉय सुप्रीमेसी तो दोराय राजन केस वहाँ पर मिले डी पी एस को सुप्रीमेसी गोलकनाथ केस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सुप्रीमेसी केशवानंद भारती केस में अगेन डी पी एस पी को सुप्रीमेसी कुछ हद तक मिली एंड मिनरवा मिल केस नाइनटीन एट्टी में फिर दोबारा से फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीमेसी मिली ठीक है फंडामेंटल राइट्स को भी कर सकते हैं बिल्कुल उसके बेसिक स्ट्रक्चर को भी नहीं छेड़ेंगे लेकिन फिर भी अधिकार ही ऊपर आएंगे इट मीन्स जो स्फेयर है गवर्नमेंट का उसको लिमिटेड कर दिया फंडामेंटल राइट्स को पॉजिटिव कैनोवेशन के अंदर रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नेगेटिव कैनोवेशंस के अंदर रखा है मिनरवा मिल केस से मिनरवा मिल केस 1980। तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड तो एवरी पॉलिसी एंड लॉ डेट दिस स्टेट कम्स अप विद हैज टू मेट द स्टैंडर्ड ऑफ पार्ट फोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल चाहे भाई जैसे मैंने आपको बताया ना कि लिबरल आएंगे फार राइट right आएंगे ठीक है कुछ फार लेफ्ट भी आएंगे और अपना ऐसा भी हो सकता है कि हार्ड डायरेक्टिव आई एम सॉरी डिक्टेटरशिप को फॉलो करने वाला भी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है इन फ्यूचर कोई भी आइडियोलॉजी के लोग आएँ कोई भी आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टी आएँ लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने को कहा है वो उनको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है हालांकि वो नॉन जस्टिशियबल हैं वो बात अलग है लेकिन उनका सिग्निफिकेंस है कि स्मूथ रन के लिए जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे जो जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर एक दो साल ग्यारह महीने अट्ठारह दिन के अंदर इतने लंबे समय के अंदर इतनी प्रिंटिंग प्रेस के बाद इतना उसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद ओपिनियन लेने के बाद तो वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए ठीक है जो एस्पिरेशंस थी आज़ादी के बाद कि वेलफेयर स्टेट होगा इंडिया वेलफेयर स्टेट तो भी पूरा नहीं हुआ है आप देख सकते हैं कि जहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग स्टेट जहाँ भी होता है वहाँ पर दिक्कतें होती हैं ठीक है जहाँ कहीं चेंजेस आएंगे वहां डिफरेंट दिक्कतें आती हैं जब लड़का बड़ा हो रहा होता है ना वो अपना चाइल्डहुड से एडोलसेंट की तरफ़ जाता है तो उसके अंदर कितने चेंजेस आते हैं आवाज़ भारी हो जाती है है ना बियर्ड मुस्टैच ये सब निकलते हैं पिंपल्स वगैरह भी निकलते हैं है ना तो ये एक बाय प्रोडक्ट है जब कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है माय फ्रेंड तो कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज़ होती हैं उस कैजुअलिटीज़ के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अनएम्प्लॉयड हो गए अनएम्प्लॉयमेंट की या इलिट्रेसी की माल नरिशमेंट की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करना है वो सरकार ही दूर करेगी लोगों का उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनती है कुछ लोगों की उनके अधिकार भी हैं तो उनके कर्तव्य भी हैं और उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है ठीक है कोऑर्डिनेटेड तरीके से सब कुछ चलना है यहाँ पर ये कंक्लूजन है और इस कंक्लूजन को आप बिल्कुल ऐसे राइटिंग या जी के अंदर यूज़ करेंगे माइडी फ्रेंड रीडर को मजा आ जाने वाला है बिलीव मी ठीक है जी तो ऐसे ढेर सारे मटेरियल को माइडी फ्रेंड आप लोग ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है और आप साथ ही साथ माय डी फ्रेंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे लाइक करेंगे कमेंट कर देंगे प्यारे प्यारे से शेयर कर देंगे ताकि काफ़ी लोग देख लें इसे थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाय